नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन के विषय में बताएंगे। थ्री टाइप ऑफ द चैनल कम्युनिकेशन, फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड हॉरिजेंटल, थर्ड है आपके लिए डायगोनल। फर्स्ट है आपके लिए वर्टिकल। वर्टिकल ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द चैनल्स, फर्स्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिसर हाई लेवल, ओनर, डायरेक्टर या जनरल मैनेजर। इन द लोअर लेवल इन द कम्युनिकेशन ऑफ द सिस्टम असेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे की तरफ वो अपनी बातों को कहता है, तो इसे हम डाउनवर्ड भी कम्युनिकेशन के रूप में भी कहते हैं। फर्स्ट आप देखिए, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल ए, मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल बी। थर्ड आप देखिए, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल सी के अंतर्गत सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर को फाइनेंस मैनेजर भी हो सकता है और परचेज मैनेजर अलग अलग होते हैं। लेवल डी, डिपार्टमेंट ऑफ द मैनेजर। लेवल ई, क्लर्कियल स्टाफ। लेवल एफ, इंप्लॉई ऑफ द लेवल। ऊपर से नीचे की तरफ एरो सिस्टम से यह आती है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑल ऑफिसर्स इन द डायरेक्शन अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, प्रोसेस ऑफ द एक्सप्लेन, हमेशा एक दूसरे को पूरी प्रक्रिया के विषय में बताई जाती है। हेल्पफुल इन द स्टाफ, एक दूसरे को सहायक होती है। ऑफिसर्स हु, व्हाट, व्हेन, वेयर इज डन, सभी शब्दों से कार्यों को पूरा करते हैं। मीडियम ऑफ द फॉर्मल इंफॉर्मेशन, इन टू टाइप द इंफॉर्मेशन, रिटेन मीडिया, सेकंड ओरल मीडियम। रिटेन मीडियम लेटर, नोटिस, ऑर्डर, मेमोरेंडम, हैंडबुक, पंपलेट, रिपोर्टिंग, पॉलिसी स्टेटमेंट, प्रोसीड्यूर, प्रिंट ऑफ द एंड इलेक्ट्रॉनिक न्यूज एंड सोशल मीडिया ऑफ द सिस्टम। ये रिटेन हो गया। ओरल मीटिंग, हम एक दूसरे के सामने अपनी बातों को कहते हैं। सेकेंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक। अनौपचारिक या जैसे असेंडिंग ऑर्डर में ना होके डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है। अब आप देखें, एम्प्लॉई, इम्प्लाई क्लर्क, क्लर्क से डिपार्टमेंट असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बीओडी, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, नीचे से ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। मीडियम इन द टू टाइप्स, इन रिटेन एंड ओरल। रिटेन रिपोर्ट, पर्सनल लेटर, कंप्लेंट, सजेशन, सर्वे, पब्लिकेशन ऑफ द एम्प्लॉई। ओरल फेस टू फेस, इंटरव्यू, टेलीफोन, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का ग्राफ आप सबसे पहले सामान्य स्तर से कर्मचारियों सभी आपस में मिल करके, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से कहीं भी किसी भी स्टेप पर अपने कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बातों कह सकता है, दूसरा व्यक्ति उसको सुन करके उस पर अपना फीडबैक वगैरह दे सकता है। इसके देखिए, जैसे प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के टू पार्ट, एक परचेज एंड सेल, फिर परचेज अकाउंट डिपार्टमेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, फिर आप आते हैं सेल, सेल से पब्लिक रिलेशन, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन। अगर प्रोडक्शन वाला चाहे तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इंफॉर्मेशन कर सकता है, अकाउंट का पर्सन पब्लिक से भी कर सकता है, परचेज की पार्टी सेल से भी डायरेक्ट अपने कम्युनिकेट कर सकती है। टाइप ऑफ द कम्युनिकेट इन टू टाइप, इन द रिटेन एंड ओरल। रिटेन लेटर, पंपलेट, रिपोर्ट, हैंडबुक, मैनुअल, बुलेटिन, बोर्ड, इटीसी, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, कमेटी एंड सोशल प्रोग्राम।
नेक्स्ट है आपके लिए डायगोनल इन द कम्युनिकेशन, इसमें कोई क्रम निर्धारित नहीं होता, ये आड़ा तिरछा बेड़ा किसी भी प्रकार से औपचारिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का अपना विचार रखती है, जिसके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी एक दूसरे की सूचना दे सकती है, जिसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट या कम्युनिकेशन कई भागों में या विस्तार से रूप में होती है, इसमें ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर के बिजनेस टारगेट को पूरा करने के लिए वर्क करते हैं, या फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी रूप में मिश्रित होकर के एक दूसरे को पूरा कर सकती है। डायगोनल कम्युनिकेशन इन दी ग्राफ इन दी टू टाइप ओरल एंड रिटेल। ओरल इनफॉर्मल मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग टास्क, ओरल में तीन चीजें आती हैं, मीटिंग किया, इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइजेशन एंड टास्क मीटिंग कर सकती है। रिटेन में कंपनी बुलेटिन, न्यूज़पेपर, सेकंड है बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड होती है जिस पर वो सूचना दे देता है, जो भी व्यक्ति जाए उसे देख सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन एक नोटिस बना के सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से कंपनी द्वारा ऑल एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन दे दिया। आज आपने अपने इस बिजनेस कम्युनिकेशन में चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन के विषय में देखा, जिसको मैंने आपको वर्टिकल हॉरिजेंटल डायगोनल फॉर्मल एंड इंफॉर्मेशन के विषय में जानकारी दी गई। आपसे विनम्र अनुरोध है आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।